बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं नान खटाई, एक नई रेसिपी के साथ, एक नए तरीके के साथ। तो फिर उसके लिए आप मेरी रेसिपी को पूरा देखिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने लिया है फ्राई पैन में आधा कप के करीब घी। इसे हम मेल्ट करेंगे, हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें इसे मेल्ट करना है। और जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसे एक बाउल में डाल देंगे, शिफ्ट कर देंगे। और इस बाउल को अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रिज में, ताकि हमारा जो घी है वो अच्छी तरीके से जम जाए, सेट हो जाए। और 20 से 25 मिनट बाद देखें इस तरीके से घी जम जाएगा। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो विक्स की हेल्प ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर से थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा, विक्स से थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी। हमें घी को अब इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल फ्लफी हो जाए। और घी हमारा बहुत अच्छी तरीके से फ्लफी हो गया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के करीब पिसी हुई चीनी। इसमें हमें पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करनी है, साबुत चीनी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब दोबारा हम इसे बीट कर लेंगे। मेजरमेंट का आप ख्याल रखिएगा, मेजरमेंट आपने बिल्कुल सही लेनी है तो ही आपकी नान खटाई परफेक्ट बनेगी। इसे भी अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। अब बीटर का काम खत्म हो गया है, बीटर हटा देंगे। अब इसके ऊपर मैं एक रख रही हूँ छन्नी। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ तकरीबन एक कप मैदा। आप ये रेशो याद रखिएगा कि आधा कप घी डाला है, आधा कप पिसी हुई चीनी, और इसमें डाला है हमने एक कप मैदा। 1 टीस्पून डाला है मैंने यहाँ बेकिंग पाउडर। इसे अच्छी तरीके से छान लेंगे। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद मैं काउंटर में शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब हमें करनी है इसकी बहुत अच्छी तरीके से गुंदाई। और ये स्टेप नान खटाई में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप ये स्टेप जितना अच्छा करेंगे उतने ही आपकी नान खटाई परफेक्ट बनेगी। इसे हमें नीट करना होगा तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। और इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स करते रहेंगे तो ये इस तरीके से थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें घी डाला है और वो मेल्ट होगा तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा स्टिकी होने लग जाता है। मगर हम इसको थोड़ा सा फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर सेट होने के लिए, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। आटे को अच्छी तरीके से हमने गूंध लिया है, मगर देखें ये आटा जो है ना अच्छी तरीके से स्मूथ नहीं हुआ है। इसमें घी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, घी बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए स्मूथ नहीं होगा, ये इस तरीके से फटा फटा ही रहेगा। इसे इस तरीके से एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। जब तक यहाँ हम अपनी कढ़ाई प्री हीट कर रहे हैं, उसके लिए मैंने यहाँ स्टैंड रख दिया है और उसके ऊपर इसका लिड लगा दिया है। और लिड में जो होल होगा उसे हम ज़रूर कवर करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। एक कोयला मैंने दहकाने के लिए रख दिया है, क्योंकि आज हम नान खटाई एक अलग तरीके से बेक करेंगे। और 10-15 मिनट बाद जब आटा बिल्कुल सेट हो जाएगा तो हम अपनी ट्रे को रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर ऑयल लगा दिया है थोड़ा सा, और इसके ऊपर डस्ट आउट कर देंगे थोड़ा सा मैदा, और ये ट्रे बिल्कुल रेडी है। अब नान खटाई का आटा भी देखें सेट हो चुका है, तो इसे इस तरीके से हम हाथों में लेके शेप दे देंगे, क्योंकि इसको बेलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस तरीके से हाथों से ही शेप दे दें वो ज़्यादा ईजी रहता है। नान खटाई का साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज ठेले वाली नान खटाई। आपने ठेले में से लेके खाई होगी तो आपको पता होगा उसमें एक स्मोकी फ्लेवर आता है, क्योंकि वो नान खटाई वो लोग कोयले पे या फिर लकड़ी पे पकाते हैं, तो उसके अंदर एक बहुत ही सौंधापन और बहुत ही स्मोकी सा फ्लेवर आता है,
बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो आज मैंने थोड़ा सा तरीका ट्राई किया है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, आपको वही फ्लेवर इंशाल्लाह मिलेगा। इसके ऊपर अब मैं लगा रही हूँ अंडे की जर्दी और अब हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। और सेंटर में जो जगह मैंने छोड़ी है वो इसीलिए छोड़ी है कि जो कोयला दहका के रखा हुआ है उसे हम इस तरीके से सेंटर पे रख देंगे। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे ढक के रख देंगे। ये बेक होने में तकरीबन 25 से 30 मिनट लेगी नान खटाई। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको आप बेक कीजिएगा ताकि ये अंदर तक पक जाए और जो कोयले का इसका फ्लेवर है ना वो अंदर तक रच बस जाएगा। जैसे नान खटाई हम ठेले से लेके खाते हैं तो ये बिल्कुल वही फ्लेवर देगी इंशाल्लाह। मैंने ये नान खटाई बेक होने के लिए रखी थी, उसके बाद मेरे घर की चली गई थी लाइट और मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो फिर जब मैंने दूसरा बैच इसका तैयार किया है तो फिर मैंने रिकॉर्ड करा है। ये मेरा दूसरा बैच है, ये मैंने निकालते हुए आपको दिखाया है। और देखें इस तरीके से ये बिल्कुल रेडी है। कोयला हटा दूँगी और जब ठंडी हो जाएगी ना तो इसको केयरफुली इस तरीके से निकाल लेंगे। बहुत ही खस्ता होती है, बहुत ही जल्दी टूटने लग जाती है, तो जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी ना तो तब इसको निकालिएगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।